यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में निशिकांत जी ने पूछा है, ये आपको मालूम है हमारा सरकार का सोच क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सोच है, हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी है, वो देश का ही आइडियोलॉजी समझिए। हम जो सोचते हैं भारत देश के लिए, भारत देश के लिए। नो कोई ये आई एम प्राउड ऑफ दैट। नो प्लीज प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज मिनिस्टर कंक्लूड। से तो सरकार बनते हैं, चिट्ठी लिखवा ले। द क्वेश्चन इज दैट समय आ गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती? सुरेश पुजारी, मिस्टर सुरेश पुजारी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक झुंझुना दे दिए, लेकिन आचो उसको पेट भर जाएगा तुम्हारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है भारत को, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीजेपी का एजेंडा है, हमारी पार्टी लॉ कमीशन को लेटर लिख कर दी थी कि हम उसके हुए हमारे फोर फादर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। मैंने कई एक इशू जो सोशल इशूज कहे हैं, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज का हो, चाहे लिव इन रिलेशन का हो, या कई एक फंडामेंटल कुरीतियां जो डेवलप हुई हैं, उसमें कई एक राज्य ऐसे हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही हैं। गोवा पहले से ही था, और कई एक राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उत्तराखंड बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या ये समय अब आज़ादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और CRPC सभी धर्मों के लिए बराबर है, ये देश एकमात्र ऐसा देश है सर जहाँ की CRPC पर न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई किसी को परेशानी नहीं है, तो क्या हम अपना जो सोसाइटी को कैसे रखें, सिविल कोड कैसे हो, माँ का बेटे के साथ, बेटे का पिता के साथ, पिता का पत्नी के साथ किस तरह का रिलेशन हो, क्या वो समय नहीं आ गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? सुरेश पुजारी, मिस्टर सुरेश। एम टॉप बैंक्वेट हॉल, मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं।